नमस्ते दोस्तों, परसों मेरी बहन रंगोली चंदेल जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि जो लोग डॉक्टर्स पे और पुलिस कर्मियों पे अटैक कर रहे हैं उनको गोली से मार देना चाहिए। लेकिन फारा अली खान जी जो सुजैन जी की बहन है और रीमा काटकी जी काफी प्रतिष्ठित निदेशिका है, उन्होंने ये झूठा दावा किया कि रंगोली ने मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है। अगर कहीं भी ऐसा कोई भी ट्वीट मिलता है जिसमें मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है तो मैं और रंगोली सामने के माफी मांगेंगे। क्या वो ये कहना चाहती हैं कि हर मुस्लिम जो है वो आतंकवादी है? हमारा ये मानना नहीं है कि हर मुस्लिम डॉक्टर्स को अटैक कर रहे हैं, कि हर मुस्लिम जो है वो पुलिस कर्मियों को अटैक कर रहे हैं। और मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहती हूं कि जो ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यहां का ही खाके करोड़ों अरबों में पैसा कमा के हमारी ही जो है कश्ती में छेद डाल रहे हैं, यहां आप प्रधानमंत्री जी को के गृहमंत्री जी को आतंकवादी कह सकते हैं, RSS जो जो कि राष्ट्र स्वयं सेवा संघ है जो कि दिन रात लोगों की सेवा में लगा, उनको आतंकवादी कह सकते हैं, मगर आप आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कह सकते। तो इन प्लेटफॉर्म्स का दाना पानी बंद होना चाहिए। मुझे पता है अभी देश और चीजों से जूझ रहा है, मगर फिर भी वी हैव टू फाइंड अ वे टू कंप्लीटली डिमोलिश दीज प्लेटफॉर्म्स एंड स्टार्ट आवर ओन प्लेटफॉर्म्स। एंड सेकेंड, मैंने आज बबीता फोगट जी का देखा एक वीडियो जिसमें जिस तरह से उनको हैरेस किया जा रहा है। मैं अगेन केंद्र सरकार से अपील करती हूं कि जो भी इंसान राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाता है उसको इसी तरह से शोषित किया जाता है, उसको उसकी नौकरी छीन ली जाती है, कईयों का खून किया जाता है। आज अगर बबीता जी को कुछ भी होता है, कभी भी कोई दूसरी राष्ट्रवादी आवाज नहीं उठेगी, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और इसी के साथ हैप्पी लॉकडाउन।